दोस्तों, अगर आप अपना घर बनवाने का सोच रहे हैं तो इन दैट केस आपको एक नक्शे की जरूरत होगी। ऑब्वियसली आप नक्शा कभी भी आर्किटेक्ट से ही बनवाएंगे, बट बिफोर गोइंग टू आर्किटेक्ट, आपके माइंड में आपके घर के लिए एक नक्शा जरूर होगा कि आपके घर में कितने रूम्स होने चाहिए, वो रूम कैसे होने चाहिए, उनकी साइज कितनी होनी चाहिए, उसमें विंडो कैसी होगी, विंडो की साइज क्या होगी, एंड सो ऑन। एंड बट ऑब्वियस ये जितनी भी चीजें हैं, ये सब की सब जब तक इंजीनियर आपको नहीं बताएंगे तो आप फाइनलाइज नहीं करेंगे। साथ साथ इंजीनियर का पास किया हुआ नक्शा जो रहेगा वो अलग ही रहेगा जो आपको नगर निगम में पास करवाना होगा। बट अबोव ऑल दिस, एक नक्शा हम सभी के माइंड में होता है हमारे अपने घर का। वो नक्शा आप कैसे घर बैठे बना सकते हैं, एक डेमो देख सकते हैं, और आफ्टर दैट आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि आपको उस नक्शे के साथ जाना है या नहीं जाना है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप ऑनलाइन घर बैठे एक नक्शा कैसे रेडी कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर दैट वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यहाँ पर मैं जिस वेबसाइट का यूज करूंगा वो है ऊ होम। सिंपली आप इस वेबसाइट को गूगल कर लें, ऊ होम। इसका इंटरफेस आपको कुछ इस प्रकार से देखने मिल जाएगा। नेक्स्ट आप क्लिक कर सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू अनदर वे और कंटिन्यू विद ईमेल। अगर आपका जीमेल आईडी ऑलरेडी लॉगिन है तो आप डायरेक्टली क्लिक कर सकते हैं कंटिन्यू विद गूगल, एल्स आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं यहाँ पे सिंपली लॉग इन कर लूंगा। और लॉग इन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने मिलेगा। ये हमारा वर्क एरिया जहाँ पर आप अपना एक नक्शा क्रिएट कर सकते हैं। ऊपर कुछ बेसिक से ऑप्शंस दिए गए हैं, एक न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए, सेव करने के लिए, अनडू, क्लियर एंड सो ऑन। इसमें आप ना ही सिर्फ नक्शा क्रिएट कर सकते हैं, साथ साथ आप उसके पब्लिक लाइब्रेरी का यूज़ करके अलग अलग कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को ट्राई कर सकते हैं। फर्नीचर, लाइटिंग, किचन, बाथरूम, ये सारे अप्लायंसेस आप वन बाय वन अपने नक्शे में प्लेस करके देख सकते हैं। यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन देखने मिल जाएंगे। कंस्ट्रक्शन हैं, AI टेम्पलेट हैं काफ़ी सारे। अगर आपने एक रूम डिज़ाइन कर लिया है, अब उसकी डिजाइनिंग के बाद आप उसका इंटीरियर करना चाहते हैं तो वो काम भी आप यहाँ से कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा फ्लोर प्लान, और फ्लोर प्लान में आप देखेंगे यहाँ पे वॉल स्ट्रक्चर्स, आपकी वॉल किस प्रकार की होंगी, उसमें डोर्स कौन से होंगे, विंडोज कौन से होंगे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या होंगे। फॉर द टाइम बीइंग मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रूम या फिर हम बोल सकते हैं एक बाउंड्री वॉल क्रिएट कर लूंगा, और कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे मेजरमेंट देखने मिल जाएगा। अगर आपका प्लॉट साइज कुछ इस प्रकार से है, जैसे कि अगर मैं एज्यूम कर लूँ मेरा जो प्लॉट साइज है वो है अराउंड 48x32 का, तो कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे देखने मिल जाएगा। और आप सिंपली एक बार क्लिक कर लें, इसे कर लेंगे थोड़ा जूम आउट। एंड जूम आउट करने के लिए आप इस स्लाइडर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड में आप प्रेस करें कंट्रोल और माउस के स्क्रॉल व्हील को घुमा दें। तो यहाँ पर आ चुका है मेरा ये प्लॉट एरिया, ये है अराउंड 47x31। नेक्स्ट जैसे ही आप ये वॉल ड्रॉ करेंगे आपको राइट साइड में लेवल में देखने मिल जाएगा इसका एरिया कितना है, इसकी हाइट कितनी है, फ्लोर की थिकनेस कितनी होगी। और अगर आप किसी वॉल पे क्लिक करते हैं तो वॉल की प्रॉपर्टीज में आपको देखने मिल जाएगा वॉल की थिकनेस कितनी होगी। बाय डिफॉल्ट हम देखते हैं जितनी भी दीवारें होती हैं वो 9 इंच की होती हैं, इसलिए यहाँ पे बना हुआ है 0.9। और अगर आप इस कैलकुलेशन को चेंज करना चाहते हैं तो आप चले जाएं अपने अकाउंट में, क्लिक करें प्रेफरेंसेस, और यहाँ से आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं। आपको इंचेस में चाहिए, डेसिमल इंचेस में, फ्रैक्शनल, मिलीमीटर्स, या 3D डिज़ाइन में आपको जो भी चेंजेस करने होंगे आप वो सारे चेंजेस यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे ये बाउंड्री वॉल तो क्रिएट हो चुकी है, और अब एक रफ नक्शा क्रिएट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर मुझे एक नक्शा क्रिएट करना है तो यहाँ पे मेरा एक रूम होगा, नेक्स्ट अगेन एक और रूम, उसके बाद मैं यहाँ पे एक हॉल क्रिएट कर लूँगा। और जैसे जैसे आप माउस को ड्रैग करेंगे साथ साथ आपको देखने मिलेगा इस हॉल की या फिर इस रूम की साइज़ क्या हो। और यहाँ पर हम चाहते हैं एक किचन क्रिएट हो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर मैंने एक रफ नक्शा तो क्रिएट कर लिया, अब यहाँ पर मुझे ये डिसाइड करना है इसमें डोर्स कहाँ कहाँ होंगे। तो डोर में भी आपको काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, सिंगल डोर, डबल डोर, स्लाइडिंग डोर, आप जो भी डोर यूज़ करना चाहें। तो अभी के लिए मैं पिक करूँगा डबल डोर, और ये रहेगा हमारे घर का मेन गेट कुछ इस प्रकार से। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे साइज़ देखने मिल जाएगी, इस दरवाजे की साइज़ है 4x11 इंच। अगर मुझे इस दरवाजे को बड़ा करना होगा तो कुछ इस प्रकार से आप 10 फिट तक के दरवाजे को और यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट घर के अंदर मैं चाहता हूँ सिंगल डोर यूज़ हो, तो कुछ इस प्रकार से मैंने एक डोर यूज़ कर लिया। अब अगर आप चाहते हैं इस डोर की ओपनिंग जो है वो बाहर की साइड ना हो बल्कि अंदर की साइड हो, आप सिंपली इस पर क्लिक करें और इस फ्लिप बटन के थ्रू आप डोर की क्लोजिंग या ओपनिंग को कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप हर रूम में अलग अलग डायमेंशंस के दरवाजे दे सकते हैं। और अब जैसे मैं यहाँ पर चाहता हूँ एक वॉशरूम भी क्रिएट हो, अगेन मैं क्लिक कर लूँगा रूम, और इसी रूम के अंदर मैं एक वॉशरूम क्रिएट कर लूँगा
और यहाँ पर इस हॉल के अंदर मैं एक वॉशरूम क्रिएट कर लूँगा जिस प्रकार से। अगेन इनमें भी हम एक डोर अप्लाई कर लेंगे और डोर को फ्लिप कर देंगे। आफ्टर डोर बारी आती है यहाँ पर विंडोज़ की, क्लिक करूँगा विंडो और इस रूम में मैं एक विंडो देना चाहूँगा। अगेन इस हॉल में एक विंडो देना चाहेंगे, किचन में एक विंडो एंड इस रूम में भी एक विंडो। तो जिस प्रकार से आप एक रफ नक्शा रेडी कर सकते हैं, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ड्रॉ कर लें। आफ्टर ड्राइंग ऑल दिस अगर आप क्लिक करते हैं 3D में, तो 3D में क्लिक करते हैं आपको कुछ इस प्रकार से नक्शा देखने मिल जाएगा। एंड सी द व्यू, ये है मेरे घर का फ्रंट डोर। फ्रंट डोर के बाद जैसा हमने बनाया था यहाँ पर एक रूम जिसमें अटैच लेट बाथ, ये सेकेंड रूम हॉल जिसमें लेट बाथ है और एक किचन। ये हो गया एक बेसिक कंस्ट्रक्शन। एंड आफ्टर बेसिक कंस्ट्रक्शन अगेन मैं क्लिक करूँगा 2D और 2D में आने के बाद अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हर जगह लिखा हुआ है अनटाइटल्ड। अब अगर आप इस अनटाइटल को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली ये जो वेबसाइट है आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकती है। जैसे मैंने इस अनटाइटल पे क्लिक किया और यहाँ पे आने के बाद मैंने रूम टाइप को सेलेक्ट कर लिया किचन। नेक्स्ट इस अनटाइटल को सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसे सेलेक्ट कर लिया एज लिविंग रूम, ये होगा एक बेडरूम और ये होगा सेकेंड बेडरूम। नेक्स्ट इस एरिया को मैं डिफाइन कर लूँगा एज वॉशरूम। इस एरिया को भी हम क्लिक करेंगे और रूम टाइप में आने के बाद हम सेलेक्ट कर लेंगे बाथरूम। आप चाहें तो इन दोनों एरिया को भी डिफाइन कर सकते हैं एल्स। अब इतने चेंजेस करने के बाद यहाँ पे एक और चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम जानते हैं इन दोनों रूम के बीच की जो दीवार है यानी कि जो थिकनेस होगी वो काफ़ी ज़्यादा है। अब अगर आपके पास लैंड कम है और आप एक एग्जैक्ट नक्शा बनाना चाहते हैं तो आप इस दीवार की थिकनेस कम कर सकते हैं कुछ इस प्रकार से। आप इसकी जो थिकनेस है 4 इंच कर लें। इसकी भी थिकनेस अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से एक एक वॉल की थिकनेस कम कर सकता हूँ। तो इससे आपको एटलीस्ट एक एग्जैक्ट व्यू मिल जाएगा कि आपका जो घर है वो किस प्रकार से बन सकता है। एंड आफ्टर ऑल दिस एक बार से सेव ज़रूर कर लें और उसके बाद आप चले जाएँ AI टेम्पलेट्स। AI टेम्पलेट में आप देखेंगे होल हाउस, सिंगल रूम या स्मार्ट सीलिंग। आपको सिर्फ सीलिंग का काम देखना है, एक पर्टिकुलर रूम में कुछ इंटीरियर अप्लाई करके देखना है या फिर पूरे के पूरे घर में आपको एक इंटीरियर अप्लाई करना है। मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर होल हाउस। नेक्स्ट यहाँ पे आपको काफ़ी सारे अलग अलग पब्लिक लाइब्रेरी में अलग अलग डिज़ाइन मिल जाएंगे। आपको जो भी डिज़ाइन पसंद हो, जो भी कलर कॉम्बिनेशन पसंद आए, आप एक बार ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इस पब्लिक लाइब्रेरी को यूज़ करूँगा। मैंने सिंपली क्लिक किया इस ऑप्शन पर और क्लिक करेंगे अप्लाई। एंड आफ्टर अप्लाइंग हम देख सकते हैं यहाँ पर इस वेबसाइट ने ऑटोमेटिकली इस पूरे नक्शे को रीडिज़ाइन कर लिया। एंड आफ्टर रीडिज़ाइनिंग यहाँ पे काफ़ी सारे जो हैं वो फॉल्ट आ चुके हैं। रीज़न ये था मैंने इस एरिया को अनटाइटल्ड ही रखा। अनटाइटल्ड रखने से इस सॉफ्टवेयर को जो भी लगा इसने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एक सोफ़ा प्लेस कर दिया, जो कि हमारी ही गलती थी। अगर मैं इस एरिया को पहले ही क्लिक करके रूम टाइप में एंट्रेंस डिफाइन करता तो ये उसके अकॉर्डिंग इसे कस्टमाइज़ कर। अब ऑब्वियसली ये सॉफ्टवेयर तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो ज़रूर होंगी, आप इस पर क्लिक करके इसे डिलीट कर सकते हैं। सिंपली मैंने इसे क्लिक किया एंड डिलीट, अगेन क्लिक एंड डिलीट, क्लिक एंड डिलीट, या फिर आप चाहें तो क्लिक करने के बाद आप इसे मूव भी कर सकते हैं प्रकार से। और अब ये जो है ये हमारे पास एक रफ आइडिया आ चुका है कि हमारा घर कैसा होगा। अगेन मैं क्लिक करूँगा 3D और 3D में आपको कुछ इस प्रकार से व्यू देखने मिल जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था जिसमें हमने ये बताया कि आप अपने अकॉर्डिंग एक फ्लोर प्लान कैसे क्रिएट कर सकते हैं, आपके घर में आपकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होंगी वो आप कैसे देख सकते हैं, कि आपका नक्शा किस प्रकार से होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली फाइनल नक्शा हमेशा ही आर्किटेक्ट का होगा। ये सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए या फिर हमारे यूज़ के लिए है, हमारे माइंड में जो चल रहा है वो हम हमारे आर्किटेक्ट को समझाएं। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।